लोग आ चुके हैं सैनिक मार्केट, है ना बोलो? सैनिक मार्केट। चलिए चलते हैं अंदर और शॉपिंग कर। बहुत ज्यादा टाइट है। गाइस फाइनली अभी मिला गोलू का अपना मनपसंद ब्लेजर, है ना बोलो? इसका ब्लू कलर। एवरीवन गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियोस में। एकदम लाइट कट चुका है और हम लोग बैठा हुआ है सोफा में, मैं और गगन भैया। आप छुप क्यों रहे? छुपे, हमको शर्म आ रहा का है। और अभी हम जाने वाले हैं शादी का शॉपिंग करने के लिए तो अभी जाएंगे। और मेरा तो साड़ी वाड़ी सारा लिया गया था, मैं उधरी थी तो लेके आई थी, और सिलवा भी ली थी, मेरा नेकलेस वगैरह भी सारा लिया है। बस मेरे को चप्पल लेना है और अभी के लिए शूज लेना है। गोलू के लिए पता नहीं कुर्ता पैजामा या ब्लेजर क्या पहनेगा, नहीं पता, वही लेगा बोल रहा है। कब से मेरे को बोल रहा है खरीद दो। यहाँ पति खरीदता है पत्नी के लिए, पत्नी को बोल रहा है पति खरीद दो। बताओ क्या बोला? नहीं नहीं फिर से बोल। झूठ बोल रहा है, वो कोई पैसा वैसे नहीं देगा, ठीक है? झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है भैया? तो भाई सभी हम लोग निकल रहे हैं और गोलू बोल रहा है कि हमको कुछ लेना भी है, तो उसी के थ्रू वो भी जा रहा है लेने के लिए। चलो चलो अपना दोस्त लोग को बाय कर दो। काव्या को बाय कर दो यार, वो सब बिजी है। बिजी है वो, भाव नहीं कर रहा है किसी को, वो सिर्फ पापा भाव देता है। हाँ भाव तो अभी ये किसी को भाव ही नहीं देता है, क्या बोलिएगा। और कहाँ चल गया गोलू, अभी तक आने में गोलू भाग गया। इससे ऐसे ही करता है, मिला नहीं तुमको अभी तक? छोटी कुछ नहीं बोलती, इसलिए कुछ नहीं बोल रही। तो गगन भैया अपने घर जाएंगे, मैं बोल रही चलिए भैया साथ में मिलकर शॉपिंग करेंगे, तो भैया नहीं मान रहे। चलिए ना भैया शॉपिंग करने में मजा आएगा। हस्बैंड वाइफ तिलक दोनों तिलक अपना शॉपिंग करेगा तो अच्छा रहेगा ना। अरे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप भी रहेंगे तो थोड़ा हम लोग को मतलब आइडिया मिलेगा। आइडिया, मेरा शादी हो रहा है, जरूरी है आपका शादी में हम लोग आइडिया नहीं देंगे तो आपको कैसा लगेगा? बोलेगा तो का ले लेगी का तुम कहे तो तुम नहीं लगा कि तुम्हें पसंद हम अपना करेंगे, तो अपना पसंद से लेगा। समझ रहे हैं तो भैया, तो अपना पसंद से लेगा, पहनना हमको है तो लेंगे हम ही। ठीक निकलो, कहाँ निकलो? अरे चलो कहाँ निकले कर रहा है, छोटी ऊपर से कैसे देख रही दिखाएंगे। रुको छोटी बाय बाय छोटी बाय कर रही है। हम लोग आ चुके हैं सैनिक मार्केट, है ना बोलो? सैनिक मार्केट। चलिए चलते हैं अंदर और शॉपिंग करते हैं। चलो बेटा चलो, मेरे तुम भी करना। चलो मार रहा है तुमको, आ जाओ चलो जल्दी, मेरे को तो थोड़ा सर भी दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे, धूप में धूप की वजह से शायद। किधर उसको पकड़ना अच्छा से। देन गाइस अभी यहाँ पे गोलू अपना ब्लेजर देख रहे हैं, ग्रीन कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं बोल रही हूँ उसको ले लो, मतलब डिसाइड हुआ नहीं होएगा कुछ देर में। बाबा मैं भी पहनूंगी ब्लेजर, मेरे को भी दिला बोलो। तो छोटा लग रहा है मेरे को, ट्राई तो कर ले, इधर इधर फंसा हुआ है, ये हो जाएगा फिर। तो कैसे पहनते हो यार? हाँ। बहुत ज्यादा टाइट है, उसके बाद अंदर ये वैसे भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा साइज कलर जा चला है। अच्छा तो लग रहा है, कौन सा कलर ये कलर बोल रहा है? ये तो जल्दी ये सब कलर मत, क्या करोगे बोलू? इस कलर में ही ले लेंगे, अच्छा कलर नहीं, ये सब कलर बहुत अलग। ग्रीन में ही दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, गाइस ब्लेजर नहीं मिला गोलू को, क्योंकि वो जैसे ढूंढ रहा था वैसे नहीं मिला, बेचारा का मुंह बन गया है देखो।
साइज मतलब एक नीला था जिसे हम लोग को जैसे चाहिए था पॉर्क कट, लेकिन उसमें भी क्या हुआ ना साइज नहीं मिला, तो इसकी वजह से हमको अभी फिर सैनिक मार्केट से छोड़ के अभी कहीं और जाना होगा। हेलो क्या बोल रहा है? हेलो फाइनली अभी मिला गोलू का अपना मन पसंद ब्लेजर है ना गोलू? इसका ब्लू कलर है। ब्लू मतलब इसी का ब्लू लिए है, डार्क ब्लू। ग्रीन बोलो। हाँ वो जो भी है, वो थोड़ा ग्रीन टाइप का। ये भी बड़ी प्यारा लग रहा था है ना, लेकिन वो भी ज्यादा जच रहा था। ठीक है घर जाके दिखाएंगे। चलो अभी आ जाओ। फिर से आ चुके हैं सरोजिनी मार्केट, मतलब बहुत टाइम के बाद, तो अभी वहीं पे जाएंगे और वहाँ पे ही मेरे को कुछ कुछ लेना है, मतलब अभी के लिए शूज लेंगे और मेरे को भी थोड़ा सा शूज लेना है, और शायद गोलू अपने लिए शर्ट बोल रहा था, कपड़ा ब्लेजर तो ले लिए लेकिन शर्ट भी तो लेना जरूरी है ना, तो इसी की वजह से आइए। प्राइस ये बच्चे के लिए, अरे उसको खड़ा करो ना गोलू, थोड़ा सा बाबू को खड़ा कर दो। चले अभी चलना बेटा। हम लोग मार्केटिंग करके घर आ चुके हैं और घर आते हैं, ये इधर क्या बना रही है अपना पता नहीं। अच्छा ये मैंने अपना फेस के लिए बना रही हूँ। अच्छा मतलब इसको गोरा होने का सोच रही, क्या उपाय किया जाए? ठीक है, और इधर अभी क्या क्या ले क्या आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है तो सबसे पहले तो देखिए ये है हमारा ब्लेजर सेट, जो कि ये मेरा है, जो कि इसे हम पहनेंगे और इसमें पैंट भी दिया है, ये पूरा सेट है। और क्या है दिखाते हैं, ये मेरा सूट, ये है हमारा सूट, ये वाला, ये हमारा सू है, और इधर ये रहा मनीषा का और ये रहा बाबू का, हम लोग तीनों का सू रहा ये वाला। और मनीषा वो कुछ कुछ मेकअप का सामान ली थी, वो रखा हुआ उधर। और क्या क्या ली रहे, और ये तो पहले ही शॉपिंग कर ली थी, साड़ी वगैरह क्या क्या ना रहे, पहले ही शॉपिंग की थी ना। हाँ मैं खरीदी हूँ साड़ी, साड़ी मेरा ज्वेलरी मेरा चूड़ी सारा चीजें है मेरा, उसको भी दिखाते हैं। चलिए पहले मेरा ही वाला चीज दिखाते हैं, इसके बाद आप लोग को दिखा दिया ना अपना जो जो लेके आया था। हाँ दिखाते हैं अभी का ड्रेसअप भी आप लोगों को दिखाएंगे, एकदम मस्त वाला है। और अभी पहले मेरा निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे है मेरा वेडिंग का सारा चीजें, तो अभी मैं सबसे पहले एक एक करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे है चूड़ी, तो चलिए आप पहले मैं चूड़ी का लुक दिखाती हूँ। ये रहा चूड़ी, ये मेरा नया चूड़ा है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो सोचा ये वाला चूड़ा कम रेट में मिल भी रहा था, तो सोचा ये वाला चूड़ा मंगा लिया। और ऐसे मेरा ग्रीन कलर में चूड़ा नहीं था, तो पूरा सेट मंगाई हूँ, इसमें मेरा दोनों हाथ का है। सबसे पहले यही था, बहुत प्यारा है, आप लोग बताइए कैसा है कैसा नहीं। अच्छा निकाल के दिखाऊंगी तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी क्या निकालेंगे, इतना सजा कर रखें, यही तो है देख लीजिए। ठीक है सब अभी पहन के निकाल के दिखाऊँ तो आप शादी निकाल देखिएगा, ठीक है। और इधर है ज्वेलरी, ठीक है इसको पहले ऐसे करके खोलेंगे तब ना। ये इधर है मेरा ज्वेलरी, ये नेकलेस है, ये भी नेकलेस है और ये भी नेकलेस है, ये तीनों नेकलेस है। ये कमर का है, जो यहाँ पे कमर पे नहीं होता, यहाँ पे कमर पे लगाने वाला वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना दोनों हाथ का, ये वाला जो है ना ये दोनों हाथों में लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे है झुमका, और दोनों ये माथे का, अब बिंदिया माथे बिंदिया बोलता है। ये फ्री फायर ऑन कर ठीक कर रहा है, तो इसकी वजह से इसका मेरा आवाज जो है थोड़ा सा साउंड कम करेंगे ना तो अब देखना बोल देगा, इसी की वजह से। और यहाँ पे ये जो बेनी वेनी करने के लिए भी स्पेशल अलग से यहाँ पे दिया गया है, मतलब हेयर पे लगाने के लिए, बस इतना ही है। मेरा नेकलेस वगैरह देख रहे हैं ना, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये देखो मेरा, बस ये पूरा मेरा सेट है,
तो ये मैंने पूरा सेट लिया हुआ है, इसको अभी अच्छा से मतलब लगा के रख दें, क्योंकि भाई यहाँ पे शादी नहीं ना होगा, राहुल कला जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से ये सारी चीज़ों को लेके जाएंगे ना। तो ये हो गया, अब देखिए मैं तो साड़ी पहनने वाली हूँ शादी में, तो मैंने साड़ी, ये रहा मेरा ग्रीन कलर का ब्लाउज कुछ इस टाइप का है, और इसमें मैंने ये कुच्ची वाला बनवाया था, हाथ ये वाला मेरा एक भी ब्लाउज नहीं था तो मैंने सोचा ये वाला बनवाती हूँ, तो ये वाला फिर मैंने बनवाया। और देखिए पीछे में ना ये दीदी ना अपने से लगा दी थी तो बहुत अच्छा लगा है मेरे को ये वाला डिजाइन जो है, देख रहे हैं ये रहा झुमका ब्लाउज का। तो यह ऐसा मैंने नॉर्मल से ब्लाउज बनवाई हूँ, मैंने ज़्यादा सोचा कि नहीं कुछ करूँगी, उसी हिसाब से मैंने नेकलेस भी रेडी किया था। और फिर इधर है साड़ी, देखिए ये रहा साड़ी, ये कलर का, ये साड़ी कलर लिप्सा का पसंद था, लड़की वाला साड़ी लेने के लिए, तो ठीक है मैं बोलूँ, देख रहे हैं ना इधर देखिए, देख रहे हैं तो ये रहा मेरा साड़ी, अच्छा लग रहा है देखिए। मैंने ये बहुत पहले ही लिया हुआ था, लगभग लगता है 15 दिन पहले ही लिया हुआ था, मैं राउरकेला गई थी ना, मैं तभी लेके आ गई थी, सोचा सिलवाऊंगी करके ब्लाउज सिलवाऊंगी इधर करके, तो मैं इसीलिए ले ली थी, मैं दिखाई नहीं थी आप लोगों को, तो जैसे ही आज गोलू और बाबू का शॉपिंग हो गया वैसे ही फिर मैंने अपना दिखाया। और ये साड़ी अभी मैं क्या ही खोल के पूरा दिखाऊंगी, जितना है बस देख लीजिए, नॉर्मल सी साड़ी है जो मैं इजीली पहन सकती हूँ, बनारसी साड़ी है, ठीक है ये वाला साड़ी, इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे गाइस नहीं तो। और गाइस ये रहा अभी का ड्रेस, अब सबसे पहले तो ये उसका पैंट है, थोड़ा कैसा बोलेंगे, थोड़ा इस टाइप का पैंट है, इसको कौन सा पैंट बोलते कुछ आइडिया नहीं है, कुर्ता पैजामा वाला, कुर्ता पैजामा। और ये रहा इसका ऊपर में जैकेट है, और ये ब्लैक कलर का कुर्ता है, और एक कपड़ा है वो कहाँ रख दिए पता नहीं, मिल नहीं रहा है मेरे को, मैंने अभी के लिए दो कपड़ा स्पेशली मंगाए थे। ये दिखने में भले आपको थोड़ा सा इसका कलर मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन अभी को हम लोग ट्राई करवाए थे पता है बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला, इसको ही फोल्ड करके रख देंगे, सब सबके लिए हो ही गया है। और मेरा मेकअप सामान भी मैंने कुछ कुछ लिया हुआ है, उसको भी मैं दिखाऊंगी थोड़ी बहुत जो जो लिए हैं, इसको अभी पहले रख देते हैं। एंड गाइस ये रहा मेरा काजल और मस्करा, आईलाइनर और टू लिपस्टिक, तो ये रहा मेरा नॉर्मल सी मेकअप, मैं ज्यादा करूंगी नहीं ब्राइडल, थोड़ा बहुत करूंगी जितना आता है उतना, ये वाला सोची हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मंगलसूत्र, इसको भी दिखा देते हैं, अरे तेरा ट्रेन चल रहा है, और देखिए ये रहा मंगलसूत्र, ऐसा अच्छा लग रहा है ना, ये रहा ना बहुत आराम है।